हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मानसी शर्मा। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है। हम इस चैप्टर में वन बाय वन पढ़ने वाले हैं कि पार्लियामेंट क्या होती है, वो किस लिए पार्लियामेंट का यूज़ करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब क्या क्या गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे अलाउ होते हैं, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ने वाले हैं। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। In this element that together make us a democracy and it is the best expressed in the institutions of the parliament. In this chapter, we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in discussion making and control the government. अब क्या पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में, हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इंडियन के जो सिटीजन्स हैं वो किस तरीके से अपने डिसीजन मेकिंग में एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट में किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। Those making it is the most important symbol of democracy, Indian democracy, and a key feature of the constitution. ये क्या है, बहुत बड़ा important symbol है किसके लिए, Indian democracy के लिए, और ये बहुत बड़ा key feature है किसका, Indian constitution का। तो यहाँ से हम अपना chapter start करते हैं। जो हमारा first point है वो है why should people decide, मतलब लोग ही क्यों decide करते हैं। इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। जैसे कि हम सभी जानते हैं इंडिया कब 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड ज्वाइन द स्ट्रगल एंड दे वर इंस्पायर्ड बाई द आइडिया ऑफ फ्रीडम क्वालिटी एंड पार्टिसिपेट इन डिस्कशन मेकिंग। अब क्या हुआ था कि जो मतलब जो फाइट हुई थी, मतलब इंडिपेंडेंट हम हुए उससे पहले हमारी फाइट हुई थी, कितने सारे लोगों ने उसमें क्या किया था, स्ट्रगल करा है, उनके अलग अलग बैकग्राउंड से वो लोग थे और वो लोग इसमें स्ट्रगल किया उन लोगों ने और हमें क्या दिलाई, फ्रीडम दिलाई है। इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ डिस्कस मेकिंग, इसमें भी उनका पार्टिसिपेशन उन्होंने किया है। द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक। अब क्या है, जो पीपल्स हैं वो उन लोग मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ रहे हैं, तो पीपल्स उस टाइम के जो थे वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई आइडिया देते थे या किसी चीज़ में उनका सपोर्ट नहीं करना चाहते थे या करते थे, तो उसमें डिस्कशन किया जाता है, तो उसमें जो है पीपल्स, जो नॉर्मल पीपल्स होते थे, इंडियंस जो थे, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन, द नेशनलिस्ट बिगिन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। अब क्या हुआ, फ्रीडम मूवमेंट जब हुआ इसके बाद सारी सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई, जो नेशनलिस्ट थी वो बिगेन हो गई और क्रिटिसाइज होने लगी किसके आगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे, और उनके आगे हमने डिमांड्स रखी। 1885 द नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विद अ राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन। अब जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने डिमांड रखी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको भी ये राइट दिया जाए, वो भी डिस्कस कर सकें बजट के ऊपर और वो भी क्वेश्चंस को पूछ सकें कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये उनके क्वेश्चंस वो पूछ सकें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 अलाउड फ्रॉम सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब क्या हुआ, इंडियन एक्ट, जो गवर्नमेंट का इंडियन एक्ट था कब, 1999 में, उसमें अलाउ किया गया किसको, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन को, मतलब कि जिस तरीके से हम लोग देख हम वोट देते हैं, तो हम जिसको वोट देते हैं वो जिन वोट जो जीत रहा है इंसान वो क्या है, वो हमें प्रेजेंट करता है। दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट टू वोट नॉर कोड पीपल पार्टिसिपेट इन डिस्कस मेकिंग। अब क्या था, बहुत मतलब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार उस टाइम पे नहीं दिया गया और ना सभी लोगों को डिस्कस मेकिंग में पार्टिसिपेट का मौका दिया गया। द ड्रीम्स एंड इंस्पिरेशंस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल्स वर मेड एंड कंसर्ट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया दैट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दैट ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ड्रीम बन गया, इंस्पिरेशन बना किस चीज़ के लिए कि सभी लोगों को वोट डालना चाहिए, जो इसीलिए ही अब 18+ जितने भी लोग हो जाते हैं वो सब वोट डाल सकते हैं, तो इसी को हमने बोला गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रिंसिपल रहा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम से। इसमें क्या था कि सभी लोग जो हैं, जो 18+ हैं, वो सभी लोग वोट डाल सकते हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हैं। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो पीपल मतलब हम जैसे नॉर्मल लोग और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके हम बीच की चीज़ पर को पढ़ने वाले हैं। द टेक ऑफ पॉइंट ऑफ अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कॉन्सेंट, द डिज़ायर अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, इट इज़ द डिस्कस ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड वॉट
अबाउट इट फंक्शनेटिंग. अब क्या है जो डेमोक्रेसी, जैसे हमारी कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी कंट्री है, और उसमें जो आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट, जो नॉर्मल पीपल्स आइडिया देते हैं वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट है. रिप्रेजेंटेटिव को इसलिए चुना जाता है कि इसी, हम जिसको चुन रहे हैं वो हमारे आइडियाज़ को, हमारे फंक्शनेशंस को, जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं वो उसको जाके असेंबली में, मतलब पार्लियामेंट में, उसको प्रूव कर सके कि जो हमारे यहाँ की जो नॉर्मल पीपल्स हैं वो ये चाहते हैं, तो ये डिसाइड कर सकें अबाउट इट्स फंक्शनिंग के लिए. गवर्नमेंट डिसाइड करती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एंड दैट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पीपल इंस्टीट्यूशंस नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दिस सिटीजन्स. आप क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ट्रस्ट ऑफ दिस सिटीजन, मतलब हम लोगों का ट्रस्ट. जो भी इलेक्शन में लोग खड़े होते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है कि हम जो सिटीजन्स हैं, नॉर्मल जो पीपल हैं, उनका ट्रस्ट जीत सकें. अगर उनका ट्रस्ट हमने जीत लिया तो हम लोग भी इलेक्शंस में जीत सकते हैं. अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट. वन वे टू डूइंग एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शन. अब क्या इन्होंने बोला है कि मतलब एक एक इंडिविजुअल जो है वो अप्रूवल कैसे दे सकता है गवर्नमेंट को. ये जो इन्होंने वे चूज किया है एज अ इलेक्शन, इट इज़ अ गुड और अ बैड. तो पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट. अब क्या है, जो पीपल हैं वो एक इलेक्ट हुए इंसान को चूज़ करते हैं, इलेक्शन हुआ है सब, फिर वो जीत जाएगा वोट्स के द्वारा. और वो क्या करेगा, जो नॉर्मल सिटीजन है जिनको, जिसने, जिन लोगों ने उसको वोट दिया है, उसको जाके वो कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, वो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव बन के जाता है पार्लियामेंट में. अब जो हम नीचे एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है द रोल ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का रोल क्या होता है. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पार्लियामेंट इस तरीके का होता है, जैसे कि यहाँ पे इमेजेस बताई गई हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट का रोल क्या होता है. These are participations by peoples in the discuss making process and government by constraint. जब क्या है, जो ये decision making का process है and government by constraint है, उसमें कौन कौन participate करता है, उसमें normal people जो हैं वो उसमें participate करते हैं. The parliament in our system had immense powers because it is a representative of peoples. Parliament एक ऐसा system है जिसमें immense powers किसकी है, representative की है. जो representative people मतलब citizens के द्वारा बनाया जाता है उसकी पावर है. द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर. जो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो कब होते हैं, हर 5 साल के बाद होते हैं. द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू नर्मस कॉन्स्टिट्यूएंसीज. कंट्रीज जो हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में पहले भी पढ़ा है. कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्टेड 1% ऑफ द पार्लियामेंट. अब जैसे कि एक स्टेट है उसमें 64 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी गई हैं, तो उसमें से उन 64 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा, एक एक पर्सन जो है वो इलेक्ट होगा पार्लियामेंट में जाने के लिए. अगर वो जीतेगा तो वो पार्लियामेंट जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा. जैसे कि यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो 282 वोट्स के साथ क्या हुई है, वो जीत गई है. कम्युनिस्ट पार्टी जो ऑफ इंडिया जो है वो 1 वोट के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है 9 वोट के साथ, नेशनल कांग्रेस जो है 44 और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है वो 6 वोट्स के साथ है. तो इसमें कौन है रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के पार्लियामेंट में जाएगा वो है भारतीय जनता पार्टी. क्यों, क्योंकि वो 282 वोट्स के साथ जीत चुकी है. नेक्स्ट टॉपिक है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. अब जो नेशनल गवर्नमेंट है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा भारतीय जनता पार्टी जो थी वो इलेक्शन जीत गई है, वो क्या बन गई है, नेशनल गवर्नमेंट बन गई है, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया. अब वो क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट द राज्यसभा एंड द लोकसभा. पार्लियामेंट जो है दो चीज़ों को कंसिस्ट करती है, एक राज्यसभा होती है एक लोकसभा होती है. आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन अ लिस्ट इज प्रिपेयर शोइंग हाउ मेनी MPs बिलोंग टू द ईच पॉलिटिकल पार्टीज. जब इलेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं लोकसभा के, उसके बाद एक लिस्ट बनाई जाती है किसकी, MPs की लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी में कौन कौन से MPs ने पार्टिसिपेशन किया है और कौन कौन से MPs जीत चुके हैं. फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजोरिटी टू इलेक्ट MPs. सिंस देयर इज 543 इलेक्टेड प्लस 2 एनालॉग इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर इन लोकसभा, टू हैव अ मेजोरिटी अ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द नंबर 272 मेंबर्स और मोर. अब क्या है, जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उसकी जो सीट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 543 होती हैं प्लस होती हैं 2.
टू होती है एनालॉग इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं, उसमें क्या होता है जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन तब होंगे अगर जो जिस पार्टी को जीतना है लोकसभा में उसकी 543 है ना उससे हाफ नंबर्स में या उससे ज़्यादा अगर नंबर्स हो सीट्स मतलब उसे वोट्स मिलती हैं तो वो पार्टी जीत सकती है, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, इट डजंट मीन कि वही पार्टी होनी चाहिए, वो कोई भी पार्टी हो सकती है जिसके भी 543 इलेक्टेड नंबर्स से ज़्यादा मतलब हाफ ऑफ नंबर्स या उससे ज़्यादा मतलब 272 इसका हाफ हो जाता है, तो 272 से ज़्यादा नंबर्स अगर आते हैं तो वो पार्टी जो है जीत जाएगी, और जो पार्टी हार जाती है जिसके इतने नंबर्स नहीं आते जिसको इतनी वोट्स नहीं मिलती वो क्या बन जाती है, अपोजिशन पार्टी बन जाती है। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी कंसोलिडेशन फॉर्म द लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टी कॉल द अपोजिशन पार्टी। अब जो वोट्स के साथ नहीं जीती, जो एक तो है नहीं कि एक ही पार्टी इलेक्शंस लड़ रही है, नहीं बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो इलेक्शंस लड़ती हैं उसमें से कोई एक ही जीतती है, और जो लोग नहीं जीत पाते जो पार्टीज नहीं जीत पाती वो क्या बन जाते हैं, वो अपोजिशन पार्टी बन जाती हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा इज टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी और थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट भी क्या है, लोकसभा का एग्जीक्यूटिव को चुनना मतलब हेड को चुनना। द एग्जीक्यूटिव एज यू रीड इन चैप्टर 1 एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अब क्या है जैसे कि हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में चैप्टर 1 में हमने रीड करा था कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, वो एक उस पार्टी का एक मेन हेड पर्सन होता है जो सभी को अपने साथ मतलब एक आदमी ऐसा है जो अपने साथ 20% को और लेके चल रहा है और एक साथ काम को कंप्लीट करवा रहा है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा के जो लीडर होते हैं मतलब लोकसभा जैसे पार्टी बन गई जीत गए लोकसभा के मेंबर्स, अब जो जिसका हेड बनाया जा रहा है जो लीडर बनाया जा रहा है वो क्या बन जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। फ्रॉम द MP हु बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड मिनिस्टर टू वर्क विद हर इम्प्लीमेंटेड डिसीजंस। अब क्या है जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिलेक्ट करेगा अलग अलग मिनिस्टर्स को मतलब अलग अलग जगहों पे हर काम होगा, एजुकेशन मिनिस्टर भी होता है, हेल्थ मिनिस्टर भी होता है, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं तो उनको अलग अलग डिसाइड कौन करेगा, वो प्राइम मिनिस्टर करेगा कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है। These ministers then take charges of different areas of government functioning like health, education and finance. ये सारे ministers जो हैं इनके ऊपर अलग अलग चार्ज आ जाते हैं अलग अलग governments की तरफ से, health का हो गया कोई, education हो गया कोई, finance हो गया कोई, दिल्ली जल बोर्ड का minister हो गया, अलग अलग जो है ministers को बनाया जाता है। The Rajya Sabha functioning primarily as a representative of the state of the Indian in the parliament. जो राज्यसभा जो function करती है वो primarily क्या होता है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रही होती है ऑफ द स्टेट इंडियन इन द पार्लियामेंट। वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है कहाँ पे, राज्यसभा इन पार्लियामेंट में। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इंटीनेट लेजिस्लेटिव एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। अब क्या है, राज्यसभा जो है लेजिस्लेटिव जो है वहाँ के, वो बिल को रिक्वायर मतलब कोई बिल बनाना है तो बिल तो पास हो जाएगा, बट वो कहाँ से भी पास होना चाहिए, वो राज्यसभा से भी पास होना चाहिए। जो मतलब हम मिनिस्टर्स वगैरह जो बिल बना रहे हैं वो कहाँ से पास होना चाहिए, राज्यसभा से भी पास होना चाहिए। राज्यसभा से पास होगा तो वो ऑर्डर बन जाएगा, हाँ ये एक बिल बन चुका है, बिकम अ लॉ। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड टू द प्रेजिडेंट। अब क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वेरियस अलग अलग स्टेट्स होते हैं और राज्यसभा जो होती है उसमें कितने होते हैं, 233 पीपल जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। अब ये जो 12 मेंबर्स आप पढ़ रहे हो ना, ये 12 मेंबर्स होते हैं, कोई प्रोफेसर हो गया, कोई टीचर हो गया, अलग अलग वेरियस अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं जो मतलब ज़्यादा एजुकेटेड भी होते हैं और उनको सारी चीज़ों की समझ होती है, इसलिए 12 मेंबर्स अलग से दिए गए हैं और 233 पीपल्स जो होते हैं वो तो इलेक्टेड होते ही होते हैं। अब इसमें पॉइंट बी है, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। कंट्रोल भी होना चाहिए, किस तरीके से कंट्रोल है और हम किसी को गाइड किस तरीके से करें और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को किस तरीके से हम बताते हैं, इन्फॉर्म किस तरीके से होता है, तो हम अब इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिगेंस विद अ क्वेश्चन आवर। अब ये क्या होता है, ये एक क्वेश्चन आवर्स होते हैं। जब हम पार्लियामेंट में बैठे हैं तो उस टाइम पे क्या है, हर कोई हमसे क्वेश्चन पूछेगा, हमें उसके आंसर भी करने पड़ेंगे। अपोजिशन पार्टी का वर्क जो है वो क्या है, क्वेश्चन पूछना, एंड जो रूलिंग पार्टी है वो उसको आंसर करेगी। ऑलराइट, तो ये जो जिस टाइम पे वो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं तो ये क्वेश्चन आवर्स है।
दीज क्वेश्चन आर इज अ इम्पॉर्टेंट मैग्नीजियम दैट विच एम पी कैन इलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. अब क्या है, ये क्वेश्चन आज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. किस लिए? क्योंकि जो एम पी जो है वो इलेक्ट होकर जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको अपोजिशन पार्टी के आंसर्स को देना होगा. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये वे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट किस तरीके से कंट्रोल कर रही है, एग्जीक्यूटिव जो है वो अपनी पार्लियामेंट को किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, क्या क्या रूल्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो उन पर लगाए गए हैं, और वो किस तरीके से जनता की हेल्प कर रहा है. जो अपोजिशन पार्टीज के आंसर्स है, क्वेश्चंस है, उनके आंसर्स उसको देने हैं. द अपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्थी फंक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी. जो अपोजिशन पार्टी है उसका भी बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल है किसके लिए, हेल्थी एंड फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी, की जो डेमोक्रेसी है उसमें हेल्थ का काम किस तरीके से हो रहा है. मतलब सब लोग अपोजिशन पार्टी हम हार चुके हैं, अब जो जीता है उसके ऊपर तो वो ब्लेम्स लगाएगी, तो सेम वहाँ पे ये चीज़ होती है. द हाईलाइट ड्रॉबैक इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट्स फॉर देयर ओन पॉलिसीज. अब क्या है, ये बहुत बड़ा हाईलाइटेड एक ड्रॉबैक्स होते हैं किसके, जो वहाँ पे वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट रन करवाती है उनको मोबिलाइज करके, मतलब उनको सपोर्ट में रखकर अपनी ओन पॉलिसीज पे वर्क करना, और उनको क्या करना है, उनके ऊपर के सारे आंसर्स क्वेश्चंस जो हैं वो उनसे पूछते हैं उस टाइम पे. द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इट्स केप्ट ऑन इट्स टोज by the questions asked by the MP, the addition in all matters dealing with finance, the parliament approval is crucial for the government. जो government जो है हमारी वो valuable feedbacks देती है, मतलब जो भी वहाँ पर फैसले होते हैं, जितने भी questions पूछे गए हैं उसके answers क्या होते हैं, वो एक feedback मतलब एक form एक जगह पर लिखे जा रहे होते हैं, उसके बाद उन answers को और questions को देखते हुए एक feedback बनाया जाता है. In addition, इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंस, जितने भी फाइनेंस के साथ कोई भी मैटर्स डील कर रहे होते हैं, इन पार्लियामेंट अप्रूवल इज क्रूशल फॉर द गवर्नमेंट. उस टाइम पे क्या होता है, पार्लियामेंट को अप्रूवल देना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, कि हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है ना, तो उनको ही थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है. द एम पीज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट, एंड दिस इज अ की एक्सेप्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. जो एम पीज जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीपल्स को जाके, सेंट्रल रोल कर दिखा रहे हैं उस कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग एंड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसको, पार्लियामेंट को, कि जो लोग हैं जिन्होंने मुझे रिप्रेजेंट बना के यहाँ भेजा है वो ये चीज़ें चाहते हैं, आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए. सही पॉइंट जो है इसका है लॉ मेकिंग जो है स्टूडेंट, जो हमारा फोर्थ चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो सारा का सारा हमारा लॉ मेकिंग पे है, तो इसलिए इसमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिया हुआ है. लॉ मेकिंग आर सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर. हम नेक्स्ट चैप्टर में पूरा जो चैप्टर है हमारा वो लॉ मेकिंग के ऊपर ही है. तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट अब है, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं, वो कौन होते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल्स हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स, फॉर एग्जांपल दे आर मोर रूरल मेंबर्स एज आल्सो मेंबर एज फ्रॉम मेनी रिलीजियस पार्टीज. अब क्या है, पार्लियामेंट में जो लोग आते हैं वो बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, ये नहीं है कि कोई वहाँ बहुत हाईली स्टैंडर्ड के लोग हैं, ऐसा नहीं होता, वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं. वो जो लोग आते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, दे आर मोर रूलर मेंबर्स एज आल्सो मेंबर फ्रॉम मेनी रिलीजियस पार्टी, वहाँ पे वो लोग भी होते हैं जो रूलर मेंबर्स हैं, बट वो उसके साथ साथ क्या होते हैं, रिलीजियस पार्टीज के मेंबर्स भी होते हैं. ग्रुप्स एंड पीपल दे दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेटिव एंड बिगिन टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट. अब वो क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, पीपल्स होते हैं, जो अनरिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कहाँ पे जाने के लिए, इलेक्टेड टू पार्लियामेंट में जाने के लिए. जब हमको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तभी वो लोग क्या है, वो पार्लियामेंट में जा सकते हैं. देयर हैज़ बीन ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेस. इसमें क्या है, इंक्रीज किसको कर रखा है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड दलित्स को. दलित्स के बारे में हमने पढ़ा था ना, उनकी स्टोरी हमने पूरी पढ़ी थी. दलित्स को क्या बोला गया जाता है, ब्रोकन बोला जाता है, एक तरीके उनको वर्ड दिया गया है ब्रोकन. और बैकवर्ड क्लासेस पार्टिसिपेशन इसमें कर सकती हैं, उनके लिए कोई मनाही नहीं होती है. दिस इज अ रियलाइजेशन दैट वन इंटरेस्टेड एंड एक्सपीरियंस सेपरेटेड एज इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द कम्युनिटीज दैट हैव बीन हिस्टोरिकल मैग्नेटाइज एज
आर गिवन एडुकेट रिप्रेजेंटेटिव विद दिस इन अ माइंड सम सीट आर रिजर्व इन पार्लियामेंट फॉर एसटीज. अब क्या होता है इसमें है जो इलेक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दी जाती हैं पार्लियामेंट में किसके लिए एससी एसटीज के लिए. वहाँ पे ये चीज़ें रिजर्व है कि ये लोग ये कुछ सीट्स हैं ये एससी एसटीज के लिए हैं, बाकी जो पार्टीज हैं वो तो फाइट कर ही नहीं है, बट ये कुछ सीटें होती हैं जो एससी एसटीज के साथ रिजर्व कर दी जाती हैं. दीज हैज़ बीन डन सो दैट द एमपीज इलेक्टेड फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी फेमिलियर विद एंड कैन रिप्रेजेंट दलित एंड एडवाइज इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट. अब उसमें क्या होता है जो एमपीज हैं जितने भी इलेक्ट होकर आए हैं उनके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं उसमें दलित पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंट भी उनको कर सकते हैं. सिमिलरली इट हैज़ मोर रिसेंटली बिगेन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ वुमेन्स. अब क्या है उन्होंने ये भी बोला है कि कुछ सीट जो हैं वो वुमेन्स के लिए भी रिजर्व होनी चाहिए. भाई जब नॉर्मल सी चीज़ है जब वुमेन जो है वो वुमेन्स के साथ बिल्कुल हर काम में परफेक्ट है हर चीज़ वो कर रही है मतलब उनसे ज़्यादा परफेक्टली वो चीज़ कर रही है तो उनके लिए पार्लियामेंट में स्पेस क्यों नहीं है. तो इसीलिए ही यहाँ पे बोला गया है कि कुछ रिजर्वेशन भी है जो वुमेन्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है जो वुमेन्स के लिए की गई है. 60 years ago ओनली 4% ऑफ MPs वर वुमेन्स एंड टोटली इट इज़ जस्ट अबव 9%. अब क्या है 60 years पहले क्या हुआ ओनली 4% सीट्स थी वुमेन के लिए जो रिजर्व की जाती थी इन पार्लियामेंट. आज जो है वो 9% हो गया. 4% से 9% सीट जो है वो पार्लियामेंट में किसके लिए रिजर्व कर दी जाती है वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी जाती है. दिस इज अ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट दैट हाफ द पॉपुलेशन आर वुमेन्स. अब क्या है ये बहुत छोटा सा एक छोटा सा पार्ट है जो वुमेन्स के लिए शेयर किया गया है ओनली अदर 9% और पॉपुलेशन जो है हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हाफ से ज़्यादा किसकी है वुमेन्स की ही है. इट इज़ अ इशू ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट एंड ऑफ्टन अनरिजॉल्व क्वेश्चंस बट अबाउट वेदर अवर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेटिव इनफ. अब क्या है ये ना थोड़ा सा इशू का काइंड बन चुका है थोड़ा सा सर्टेन डिफिकल्टीज भी आ रहे हैं अनरिजॉल्व क्वेश्चन रह जाते हैं कुछ किसके चलते डेमोक्रेटिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेटिव इनफ है क्योंकि द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दीज क्वेश्चन एंड आर वर्किंग टूवर्ड्स आंसर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द फेथ That people in India have a democratic form of government. किसके लिए ये एक आंसर जो है वो किसका है रिफ्लेक्शन करता है वो रिफ्लेक्ट करता है किस चीज़ को और क्या है वो स्ट्रेंथ को बताता है हमारे यहाँ की इंडियन हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्योंकि इंडिया में एक बहुत डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर डेमोक्रेसी है. सो हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है. आई होप आपको समझ आया हो कि पार्लियामेंट क्या है उसका Why do we need a parliament? हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है क्योंकि जो हमारे इलेक्शंस में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को बनाते हैं. हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्लियामेंट में जाके हमारे जो चीज़ें हैं जिनकी हमें नीड है उन टॉपिक्स के ऊपर वो डिस्कस करते हैं और उस वजह से क्या होता है वहीं से पार्लियामेंट से ही सारे लॉज बन के वहाँ से निकलते हैं और सभी लोगों को उसका समान मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए उन ऑर्डर्स की एंड लॉज की जिस वजह से जो हमारी जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेसी कंट्री बन पाई है बहुत अच्छे तरीके से. सो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. सो थैंक यू.